तो भाई इस वीडियो में मैंने मैथ्स के चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स उसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लिए हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, तो यानी कि प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने होंगे। भाई दो होंगे ना, क्योंकि प्राइम नंबर हर वो एक नंबर जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो, एक तो वो खुद ही और एक वन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी टू। और भाई देखो भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आप तभी वीडियो को पॉज कर लेना, कमेंट में जाके उसको पहले ही खुद से सॉल्व कर लेना, कमेंट में जाके सीधे ही सीधे आंसर दे देना भाई, ऑनेस्टली आंसर देना। ठीक है, तो कमेंट में जाके आंसर बताना, जिससे कि भाई आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, सामने ही है ना, तो कर देना। ठीक है, तो प्राइम नंबर के एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। इधर पूछा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, तो उसके तो भाई साहब दूसरा एमसीक्यू है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 15 रेस्पेक्टिवली यार। तो यहां पर भाई सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना आंसर पता। तो जल्दी वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने को कोशिश करो, वैसे यार सबको ही आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करो और कमेंट में जाके आंसर बता देना। ऑप्शन ओनली लिख देना भाई बी ए सी ए या डी ए, बस ये भी लिख देना कि सेकंड क्वेश्चन का है आंसर। ठीक है, ऐसे ओके, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर 21 के, उसके बाद 15 के, अब क्या करना है, अब ये करना है सारे के सारे नंबर्स लिख के उनके प्राइम, उनको एक्सप्रेस कर दो उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो यहां पर 2 × 2 × 3 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2² × 3, ये 3 × 7, तो 21 = 3 × 7, 15 = 3 × 5। तो भाई साहब HCF क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हर कॉमन मतलब वो होता है कॉमन प्राइम नंबर जिसकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो लेस है, ठीक है, कम है। जैसे कि यहां पर 3 3 3, तो प्राइम नंबर 3 इज कॉमन, ठीक है, और इसकी सबसे कम पावर होनी चाहिए, यानी कि इसकी पावर है 1 3:1, तो ये हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज 3। ठीक है, उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम कुछ नहीं करना, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर को ले लेना है। 2 की हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, तो 2² × 3 की हाईएस्ट पावर तो भाई यहां पर 1 ही है, और 7 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर भी 1, जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स यू विल गेट द एलसीएम। तो भाई साहब 2 × 2 = 4, 3 × 12, 5 × 60, 7 × 4 = 20, तो यहां पर एलसीएम आ गया 420। अब रेस्पेक्टिवली आया, यानी कि सबसे पहले एचसीएफ आएगा उसके बाद एलसीएम आएगा, सबसे पहले एचसीएफ दैट इज 3 और 420 एलसीएम, तो इसका भी सी ही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि 196 का जब प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, उसके बाद उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स आ गए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो उनको एक्सप्रेस कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। उसके बाद भाई जो भी एक्सपोनेंट आती है उनका सम क्या आएगा, ठीक है, तो करके देख लेते हैं। जैसे कि 196 के सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो भाई यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है हमने, अब क्या करते हैं कि इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है, अब पावर,
तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर, यह आ जाएगा 7 स्क्वायर। अब क्या पूछा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर हो गए 2 और 7, एक्सपोनेंट क्या है, इधर है 2 और इसमें भी 2 है, इनका सम है भाई साहब 4, सम है 4, आंसर विल बी 4, यही क्वेश्चन। तो भाई साहब चौथा एमसीक्यू है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 बाई 1168 इज, तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए भाई एक ट्रिक है, देखो इसमें करना क्या है, काटा पीटी करनी है, ठीक है। अब अगर आपको कोई नंबर ऐसा है जो कि बहुत बड़े नंबर से कट रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है आप एग्जाम में बैठे रहोगे भाई साहब करते गए 15 16 17 18 से नहीं जा रहा 19 20 21, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम की लिमिट होती है। इसके लिए है ट्रिक, ठीक है, और ट्रिक मैं आपको बता ही देता हूँ। 1095 बाय 1168 है, 1095 और 1168 का भाई साहब HCF निकाल लो। HCF क्या है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों को डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो भाई वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ना, है ना। तो भाई सबसे बढ़िया ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि HCF फाइंड करो दोनों नंबर्स का। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से मेथड से करते हो, मैं प्रेफर करूंगा ये वाले मेथड से करो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके, ठीक है, वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। तो भाई साहब इसमें क्या होगा कि छोटा नंबर यहाँ पे ले लो, बड़ा नंबर इधर ले लो, भाई जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला, जो कि इस साल कट गया है कॉन्सेप्ट, बोर्ड में नहीं आने वाला, बट आई प्रेफर कि उसको पढ़ लो जाके, इस मेथड को समझ लो, ठीक है, मैंने बताया हुआ है, चैनल पर जाके वीडियो देख लेना, आई बटन पर मिल जाएगी। तो क्या करना है, 1095 छोटा नंबर इधर ले लेना है और छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है वो नेक्स्ट डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा, अब उसको डिवाइड कर देना, ठीक है, मतलब डिवीजन चलेगा, अब डिवीजन करके जो भी आंसर आता है तो आंसर लिख लो। अब भाई साहब इसमें क्या है कि जिस भी स्टेप में यानी कि ये पहला स्टेप हो गया मतलब डिवाइड करने के लिए, और ये दूसरा स्टेप हो गया डिवीजन का, अब जिस भी स्टेप में रिमाइंडर आ जाए 0, उस स्टेप का जो डिवाइजर है वो हो जाएगा HCF, समझ गए। तो जिस भी स्टेप में डिवाइजर मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो होगा HCF, और ये है मेथड, HCF निकल गया, यानी कि ये जो 73 है ना वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब डिवाइड करेगा तो भाई साहब काट लो इसको, तो भाई साहब डिवीजन करने पर 1095 का मैंने 73 से डिवाइड किया 15 आ गया, 1168 को डिवाइड किया 16 आ गया, ठीक है, तो 15/16 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आगे ये कट नहीं हो सकता और डी इज द आंसर, अमेजिंग, ग्रेट। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एमसीक्यू इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, तो जो डिनोमिनेटर है q, ठीक है, p अपॉन q के फॉर्म में होगा, तो जो q की वैल्यू है वो 2^n into 5^n के फॉर्म में होगी। बट उससे पहले एक चीज याद रख लो, अगर फर्दर कट हो सकते हैं ये सारे नंबर्स, तो फर्दर कट कर लेना, ठीक है, फर्दर कट कर लेना, तभी तो भाई वो p by q के फॉर्म में आएगा, जहां पर p और q को प्राइम होंगे, उसके बाद ही चेक करना कि q 2^n into 5^m के फॉर्म का है कि नहीं। तो भाई साहब सब कुछ डिवीजन वगैरह कर करके, ठीक है, जो फाइनल आंसर है वो है सी, ठीक है। छठा एमसीक्यू है, 2+√5/3 इज डैश नंबर, तो भाई साहब सीधी सी बात है, रूट आ गया है और रूट फाइव इज अरैशनल सॉरी इरैशनल, तो 2+√5/3 इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। सेवेंथ एमसीक्यू इज HCF ऑफ 144 and 198 इज, HCF फाइंड करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है पिछले क्वेश्चन में मेथड,
किस टाइप से फाइंड करना है। एक तो मैंने वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला भी बता दिया था और प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी बता दिया था, ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट में जाके बता देना मैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। आठवां एमसीक्यू है 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसको दो टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो भाई इनमें आप जो भी मतलब ऑप्शंस दिए गए उनमें मल्टीप्लाई करके देख लो, जो मल्टीप्लाई करके 225 आ रहा है वो सही है, या फिर सीधे सीधे प्राइम फैक्टराइज करके देख लो। तो मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ, 225 तो ये 225 is equal to 5 into 5 into 3 into 3 which is 3 square into 5 square, where is 3 square into 5 square, this, so this is the correct answer. C option is the correct answer for this question. तो ninth MCQ है 2.35 bar is, और इसका आंसर है A rational number, क्योंकि भाई rational number के दो टाइप के decimal expansion होते हैं, एक तो होता है terminating, जैसे कि 1.2, तो ये हो गया terminating, यानी कि ये जो decimal expansion है ये रुक गई है एक जगह, और ये जो 2.35 bar का मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2.35 3535 3535 3535 3535 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, और ये एक रैशनल नंबर है जो कि हमने 9th क्लास में देख चुके थे, ठीक है, तो दिस इज अ रैशनल। तो भाई साहब 10th एमसीक्यू है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162, ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 देन द नंबर इज, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपको पता है, HCF into LCM is equals to product of two numbers, ठीक है, जो भी दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द LCM एंड HCF ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है, तो HCF भाई साहब आपको दिया है 27, LCM दिया है 162, ठीक है, और एक नंबर भी दिया है तो 54, दूसरा नंबर नहीं दिया उसको मान लेते हैं A, बस ट्रांसपोज कर दो 27 इधर आ जाएगा, 162 इधर का इधर ही रहेगा, 54 इधर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू ए, कर लो इसको सॉल्व, आंसर विल बी आ जाएगा। तो भाई साहब 2 से 54 कट गया 27 बार, और 162 कट गया 81 बार, 27 और 27 कट गए बचा 81, तो जो A है वो आ गया 81, D is the option and D is the right answer for 10th question. So guys अब 11th MCQ है 2√3 is, अब 2√3 कौन सा नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, इरैशनल है, या फिर होल्ड है, रूट थ्री इज इरैशनल, तो 2√3 भी इरैशनल है, देख के ही बता दोगे। तो 12th एमसीक्यू है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 बाई 2 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस में मैं ज्यादातर डिवीजन ही प्रेफर करूंगा, मतलब डिवीजन मैं भी ऐसे क्वेश्चंस में डिवीजन करता हूं, पर जितने प्लेसेस मतलब विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो वो कितने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो कितने डेसिमल के मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद वो रुक रही है, ठीक है, ठीक है, तो वो मैं डिवीजन से ही करता हूं, तो आप भी डिवीजन से कर लेना, है ना। सो दिस विल बी 2 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर है, तो 4 इधर आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 5 स्क्वायर इज 25, 25 है और इधर है 4, तो 25 इनटू 4 विल बी या दैट विल बी 100, ठीक है, अब 100 को 23 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.23, दो डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो आंसर विल बी 2, अमेजिंग, ग्रेट। तो गाइज अब भाई साहब नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, फेसबुक पेज की भी लिंक है, ठीक है, इंस्टा की भी लिंक है, सब पे जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो टेलीग्राम पे तो भाई साहब टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे गाइज आपको ये जो मैं बता रहा हूं ना उसके फोटोज मिल जाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस के फोटोज विद सॉल्यूशंस, ठीक है,
अमेजिंग। तो जल्दी से नीचे जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। और भाई एक फायदा और है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली ग्रुप में जो भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हो तुरंत। मैं कोशिश करूंगा कि आपको तुरंत ही उसका आंसर दे दो, ठीक है? तो ज्वाइन कर लो जल्दी। तो गाइस 13th क्वेश्चन इज एमसीक्यू इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 156 एंड 78 इज इक्वल टू 78, एलसीएम ऑफ 156 78 is, यानी कि आपको दो नंबर्स दे दिए उनका HCF दिया है, LCM we have to find, so we'll use the same formula HCF into LCM, LCM is equal to A into B, मैं लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है? A into B, यानी कि दो नंबर्स, HCF is given 78, LCM we have to find out, two numbers are 156 into 78. 78 से 78 कैंसिल हो जाएगा और बचा 156, सो एलसीएम विल बी 156। कहां है भाई साहब 156? ए, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली भाई लास्ट एमसीक्यू जो है, ठीक है, 2010 से 2020 तक जितने भी एमसीक्यू पूछे गए रियल नंबर से, उसका आखिरी सवाल, आखिरी एमसीक्यू है 120 can be expressed as a product of its prime factors as, यानी कि simply 120 का prime factorization करके product of prime में express करना है। चलो कर लेते हैं, 260, 230 आ जाएगा, 215 जा 30, 35 जा 15 and 51s are 5, so 120 can be expressed as 2 into 2 into 2 into 3 into 5, तो क्या हो गया 2 cube into 3 into 5, कहाँ पे भाई साहब 2 cube into 3 into 5, D option is the correct answer। पर यहाँ पर previous year MCQ, maths chapter 1 real number complete।